सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सरीला में जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सुना, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रभूषण की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन सरीला तहसील में संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 75 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 13 का निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने जन समस्याओं को सुनने के पश्चात उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस IGRS मुख्यमंत्री संदर्भ 10/76 के संदर्भ और माननीय जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों की निष्पक्षता और पूर्वक और समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। आगे कहा कि शिकायतों का निस्तारण उसी दिन करने का प्रयास किया जाए, यदि किसी कारणवश उस दिन निस्तारण ना हो पाए तो एक सप्ताह में निस्तारण अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का ससमय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, अतः सभी अधिकारियों द्वारा शासन की मंशा के रूप में काम किया जाए। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि शिकायतकर्ता को बार बार परेशान ना होना पड़े। कहा कि शिकायतों का ग्राउंड लेवल पर निस्तारण शिकायतकर्ता को संतुष्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर शिकायत है उसका उसी स्तर पर निराकरण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाए। आगे कहा कि शिकायतकर्ता को निस्तारण की समय अवधि सहित अन्य जरूरी बातों के बारे में भी बताया जाए ताकि शिकायतकर्ता को शिकायत के निस्तारण में लगने वाले समय और उसकी समस्या का समाधान संबंधी आवश्यक जानकारी तत्काल मिल सके। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड योजना के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिया। राशन कार्ड ना होने की शिकायत को लेकर आने वाले 4 लाभार्थियों का मौके पर ही राशन कार्ड बना कर दिया। इस दौरान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल, DFO UC राय, DDO विकास, ACSO डॉक्टर महेश चंद्रा, SDM व CO सरीला सहित अन्य संबंधित विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।